अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज मैं बहुत रिफ्रेशिंग वाटर मिलन ड्रिंक लेकर आई हूं। देखने में इतनी यमी लग रही है और इसको पीने में और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का शरबत, जो बहुत ही यमी है और आपको इसे खाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। इवन खाकर नहीं, खाकर और पीकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमने क्या करना है, तो एक तो हमने तरबूज लेना है बहुत बढ़िया वाला, और हमने लेना है जो बहुत ही यमी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसे थोड़ा साइड रख लेंगे और हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे। एक नाइफ चाहिए। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसको बारीक सा कट करना है। देखिए बहुत बारीक से लेयर निकालनी है। समर में अगर आपने ये ड्रिंक नहीं पी तो आपने कुछ नहीं, मजा आ जाता है इसको पीकर। इतनी आप लोग जरूर ट्राई करेगा, मजा आ जाता है इसको पीकर। वो हमारा कट गया है, तो पहले तो हम इसे थोड़ा थोड़ा साइड कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट निकाल देना जो हमारा वेस्टेज होता है। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इसकी जो मोटाई है हमने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, और मैं अभी आपको सारे जल्दी से करके दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, बस इसके क्यूब्स बनाने हैं, बहुत बारीक से क्यूब्स बनाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक मग लिया है, उसमें मैं डालूंगी सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। सबसे पहले मैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। फिर मैं अपना रू अफजा डालूंगी थोड़ा सा। तकरीबन हमें इसमें डाल देना है बड़े 2 चम्मच के बराबर। फिर हमें इसमें थोड़ा सा डालना है काला नमक, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसे चलाएंगे तकरीबन थोड़ी देर के लिए, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमारा आ रहा है इसमें वाटर। सारा वाटर मटर मिल पड़ गया है, और अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसमें ज़बरदस्त तैयार हो रही है, और अब बाकी रह रहा है इसमें आइस क्यूब्स भी डालेंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बस इसे सर्व करना बाकी।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, ऐसी ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी आप लोगों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।